तो जो आकाश है, हम दोनों एक साथ बैचलर किए हैं इंडिया में। आए ब्रांडेड चश्मा है कि दिल्ली वाला है? दिल्ली वाला है। बादल के बीच में छुपा हुआ है। सो दिस इज द सैन फ्रांसिस्को मैरीटाइम नेशनल हिस्टोरिक पार्क। वेलकम टू लंबार्ड स्ट्रीट। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। 10 माइल के लिए जो है 1 घंटे का जो है यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। इट्स ऑल कवर्ड बाय फॉग। एक्सेप्ट कीजिए। नमस्ते भाई सौरभ, दिल से और स्वागत है मेरे एक नए YouTube वीडियो में। तो आज ये जो है US में हॉलीडे का सीज़न शुरू हो गया है और मुझे इंटर्नशिप करते हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है। और आज हमने सोचा कि यार चलो सैन फ्रांसिस्को घूम के आते हैं, और जो कि यहाँ से लगभग 60 माइल्स की दूरी पर है। तो लगभग 1 घंटे का जो है सफ़र है, और मैं अकेले नहीं अपने एक दोस्त आकाश के साथ जाने वाला हूँ। और आकाश को मैं पहले पिक करूँगा, जो कि यहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी पर रहता है। और चलते हैं फिर, पहले आकाश को पिक करते हैं, फिर अपन सैन फ्रांसिस्को के लिए निकलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को आज मैं गोल्डन गेट ब्रिज दिखाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। तो जो आकाश है, हम दोनों एक साथ बैचलर किए हैं इंडिया में, एक ही साथ LPU में पढ़ते थे। हम दोनों का जो प्रोग्राम है वो सेम था, और मेरे से 1 साल जूनियर था। ऐसे हम लोगों ने कई जगह पर साथ में घूमा है इंडिया में रहते हुए, सेम बैंगलोर में भी काम किए हैं। कहीं ना कहीं हम दोनों ने सेम डिसाइड किया था कि भाई US जाएंगे। रिसेंटली ही मेरी उससे मुलाकात हुई है, और आज हम लोग पहली बार हैंग आउट कर रहे हैं, घूमेंगे, सैन फ्रांसिस्को जाएंगे और आपको पूरी की पूरी जर्नी दिखाएंगे। तो अभी मैं पहुंच गया हूं, आकाश जहाँ रहता है, और इसको कॉल करते हैं। वहाँ पे रहता है वो, उसका आ गया भाई, आ गया। आजा आजा भाई, जल्दी आजा। आ गया, आ गया। वाटर बोतल। अरे ना, आराम से आराम से, सब लेके आ भाई, सब लेके आराम से। आज तो फुल व्लॉगिंग है। मीट आकाश। हाय, ब्रांडेड चश्मा है कि दिल्ली वाला है? दिल्ली वाला है। तो मैंने देखा ना, कहाँ जा रहे अपन पता है? उस ब्रिज पे जाएंगे, बट जाने का कोई टैक्स नहीं है, आने का टैक्स है $8। तो आने के लिए क्या करेंगे, ऐसे राउंड होके आएंगे। देखो बे, पता ना बेरिया क्यों बोलते हैं इसको, पता है? मेरे को भी कल पता लगा कि बेरिया क्यों बोलते हैं इसको। बे है भाई इधर, एक ऐसे यू जैसा अंदर बना हुआ है, उसके चारों तरफ ना, इधर सैन फ्रांसिस्को है, उधर ऑकलैंड है, नीचे सैन होसे है, पता है? तो ये जो सारे उसके चारों तरफ है ना, ये इसको बेरिया बोलते हैं। This is the San Francisco Maritime National Historic Park. बढ़िया बढ़िया बना रखा है, एक नंबर है। मतलब रोड पे डाला, बस भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक बस। कई कई जगह पर ना एकदम पहाड़ों पे चढ़ जाता भाई ये।
मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ना वो भी ऐसे ही है साला, पहाड़ों पे बना है वो सब। अबे तू खुद पहाड़ पे रह रहा है। काफी साफ है ना एकदम, मतलब स्टॉप साइन देखो लेफ्ट है ना। हाँ लेफ्ट है। अच्छा ये भी लेफ्ट ही बता रहा है मुझे, पहले मैं आया हूँ तो रुकेगा। एक नंबर नजारा है यार। अच्छा फिशरमैन वॉक भी आगे आगे, वो भी टूरिस्ट प्लेस है। अबे इधर देख, वेलकम टू लंबार्ड स्ट्रीट, और ये है सैन फ्रांसिस्को का एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस, और जहाँ पर लोग आप देख सकते हैं गाड़ियाँ अफिल से डाउनहिल ला रहे हैं। नो स्टॉपिंग एनी टाइम, साले लिखा है जल्दी चल। Is it provident? Is it provident? I can go right? Okay. वो बोल रही है no stopping at any time. भाई बहुत famous चीज़ है, ये GTA में था। ओप तेरे। धीरे चलाना, okay? बादल के बीच में छुपा हुआ है। भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, 10 माइल के लिए जो है एक घंटे का जो है यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, और अभी मैं हूँ अंडर टनल में, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे निकलते ही एक बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। अभी मैं हूँ सैन फ्रांसिस्को में, और बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हूँ गोल्डन गेट ब्रिज के, और कुछ ही पलों में मैं आप लोगों को भी यहाँ का जो है व्यू दिखाने वाला हूँ, और इट्स रियली ब्रेथ टेकिंग और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। बचपन से देखते हैं मूवीज़ में, किताबों में, स्टोरीज़ में, गूगल में कि गोल्डन गेट ब्रिज जो है सैन फ्रांसिस्को का सबसे आइकॉनिक चीज़ है, और उस चीज़ को मैं दिखाने वाला हूँ थोड़े ही देर में। वैसे मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, और उस टाइम पे ऑफ़ कोर्स कार नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया था, चीज़ें रिकॉर्ड भी करी थी, बट मेरा जो मेमोरी था वो करप्ट हो गया था, इस वजह से मैं कुछ भी चीज़ जो है नेट पे डाल नहीं सका, और लकीली आज फिर से वो मौका मिला है चीज़ों को फिर से घूमने का। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मतलब जब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ यूएस में, मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मुझे अभी तक यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में मिला है, और कुछ याद दिला रहा है एकदम अपने नोएडा गुड़गांव बेंगलोर जैसे शहरों की। मतलब आप देखिए स्पीड लिमिट 45 लिखा है ऊपर, और जो मेरी खुद की स्पीड है वो 5 माइल से। तो ये रहा पहला व्यू जो हम लोग देख पा रहे हैं नीचे से, और हम लोग इस ब्रिज के ऊपर जो है ड्राइव करने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। मेरा तो सेकंड मरतबा है, लेकिन हाँ पुल पे पहली बार जा रहा हूँ, और आकाश जो है इस आइकॉनिक स्ट्रक्चर को पहली बार देख रहा है, तो लेट्स आस्क हिम कि भाई इसको कैसा महसूस हो रहा है। यस आकाश, दूर से इट वॉज सो ब्रेथ टेकिंग, और बहुत ही सुंदर लग रहा है जैसे हमने मूवीज में देखा था एकदम वैसे ही। इट इज सो गुड, बस पास से देखना है, आई एम वेटिंग फॉर इट।
और अभी जो है ना एकदम ऐसे क्लाउड और इन सब से एकदम ढका हुआ, एकदम क्लियर नहीं है। तो छाया से थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो दूर से उसका जो 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 बड़े बड़े पोल्स हैं वो दिख रहा है ना। बट ट्रस्ट मी गाइस, लाइक वी आर रियली एक्साइटेड। तो गाइस वो रहा गोल्डन ब्रिज जो बादल के पीछे छुपा हुआ है अभी, और नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर है ये। बस हम थोड़े ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। अपना अपना टारगेट क्या है कि मैंने गूगल में से देखा कि हम लोग सबसे अच्छा व्यू हमें कहाँ से मिल सकता है ब्रिज का, तो जो गूगल ने बताया कि यू नो ब्रिज को क्रॉस करो और दूसरी तरफ जाओ पहाड़ के, और ऊपर माउंटेन के ऊपर से आपको एक बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, ऐसा गूगल ने बोला। आई एम नॉट श्योर, और हम लोग जा रहे हैं वहीं पर और देखते हैं कैसा रहने वाला है हमारा एक्सपीरियंस। बट वी आर एक्साइटेड, और आप लोग भी बने रहिए, हम आपको ट्राई करेंगे कि हर तरीके से गोल्डन गेट ब्रिज, और यूं ही आप इंडिया में बैठे रहकर भी आप हमारे साथ अमेरिका देख सकते हैं। और बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैप में देखो कैसा दिख रहा है, एकदम 3D व्यू आ रहा है गेट का, है ना। ओरिजिनल गोल्डन गेट ब्रिज, और लोग साइड में आप देखोगे लोग साइड में चलने का भी है, और यहीं से लोग ज्यादातर नो वीडियोस बनाते हैं। और देखिए कितना बड़ा है यार, है ना। फाइनली वी आर अबाउट टू एंटर, और यहां से भाई ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं आगे एकदम। ओह माय गॉड, इट्स ऑल कवर्ड बाय फॉग, भाई कुछ दिख नहीं रहा है उधर। बट ठीक है, जो है यही है। We are just entering into air, हमें कुछ पता नहीं, हम बस चले जा रहे हैं। और ये लगता है शायद इन ब्रिज के मिडल में जो पिलर्स दिखते हैं वो है। कितना बड़ा है, है ना। आपने बहुत सी मूवीज में इसको देखा होगा फॉर श्योर। आई थिंक वो जो पहाड़ दिख रहे थे लेफ्ट साइड में दूर में, उधर जाने वाले शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, और वहां से कुछ अलग सा व्यू आएगा। फाइनली क्लियर है। यस, कैसे लग रहा है। बहुत प्यारा है यार। नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा है। और सारा ये मतलब आयरन का बना है ना, मतलब मेटल का बना है पूरा का पूरा, कंक्रीट नहीं है। आई थिंक बेस को छोड़कर कहीं कंक्रीट नहीं है, ये सारा मतलब नट बोल्ट से टाइट कर करके लगाया है, पीसेस को अरेंज किया है। फर्स्ट राइड, वाओ, दैट वाज अमेजिंग। बस खत्म होने को आया। तो अभी चलते हैं अपन लोग अगले व्यू पॉइंट से, जहां से हम लोग ये ब्रिज देख सके। क्या मस्त रोड है, पहाड़ों के बीच में इतना क्लीन रोड, अलग ही एक्सपीरियंस, लग ही नहीं रहा कि ये शहर से जुड़ा हुआ ही एक पार्ट है। तो दोस्तों अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं ऊपर, और जो यहाँ का नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना सुंदर होगा। नीचे से तो अच्छा दिखता ही है नो डाउट, बट ऊपर से और भी ज़्यादा अच्छा है। आप एक बार लुत्फ उठाइए इस नज़ारे का। ये रहा अपना गोल्डन गेट ब्रिज, और आप देखोगे तो बहुत सारे नीचे शिप्स वगैरह जो है लोग इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं और घूम रहे हैं। बादल जिसे बोलते हैं ना क्षितिज, वो क्षितिज हमें दिख नहीं रहा है, वहाँ पर बादलों ने जो है ऑक्यूपाई कर रखा है। तो समुद्र और आसमान, और कोई बिल्डिंग नहीं, कोई लोग नहीं, कोई शहर नहीं, और ये ब्रिज भी ऐसा लग रहा है कि कहीं बादलों से निकला हुआ है, चार चांद लगा रहा है टू बी ऑनेस्ट। और काफ़ी अच्छा सा व्यू है यार यहाँ पर, एकदम शांत सा, और लोग काफ़ी सारे हैं वहाँ पर, देखोगे तो शायद वहाँ से और भी ज़्यादा अच्छा दिखता होगा। भाई हेलीकॉप्टर देखो पर।
रास्ते में काफ़ी लोग साइकिल भी चला रहे थे, तो लगता है साइकिलिंग काफ़ी, साइकिलिस्ट काफ़ी एक फेवरेट स्पॉट है और होना भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि शहर से दूर काफ़ी एक शान सा, एक अच्छा सा नेचर का जो है, एक यहाँ से लुत्फ उठाया जा सकता है।